के सेकंड पोइटिक कलेक्शन का नाम गोइंग आफ्टर गीज है जिसको 1970 से लेकर 1973 तक लिखा गया था उनके थर्ड पोइट्रिक कलेक्शन का नाम वेडिंग इन द फ्लड है जिसे 1974 से लेकर 1976 तक लिखा गया था और उनका लास्ट यानी कि फोर्थ पोइट्रिक कलेक्शन रूमर ऑफ चेंज है जिसे नाइनटीन में स्टार्ट किया गया था जबकि नाइनटीन में फिनिश कर दिया गया था इन सारे पोइट्रिक कलेक्शन में रफ्त की पर्सनल लाइफ और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया गया है और यही पोइट्रिक कलेक्शन तोफीक रफ्त की फेम की वजह भी बने थे कॉलिंग आर द मेजर थीम्स ऑफ द टाइम टू लवनिवर्सल इंटलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल लव राधर इज नो सीजन फॉर लव एंड वैल्यू ऑफ ट्रू लव जैसा की टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है इस में ओवरऑल लव के टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है जो की ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लव से बिल्कुल डिफरेंट है अब हम इस फॉर्म को लाइन बाय लाइन डीपली एक्सप्लेन करेंगे और इस फॉर्म की डीप एनालिसिस करते हुए हम इस फॉर्म में यूज होने वाले प्रोमिनेंट थीम्स को भी डिटेल से स्टडी करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट इट का टाइटल द टाइम टू लव है जिसे एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट भी डिक्लेयर किया जा सकता है क्योंकि प्यार करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता ये कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है सो वी कैन सिंपली आंसर डेट देर इज नो टाइम फॉर लव जैसे विलियम वर्डसर्ट ने पोइट्री की डेफिनेशन की थी डेट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवर ऑफ पावरफुल फीलिंग सिमिलर इज द केस विद तो रफत He considers that love is a spontaneous overflow of powerful feelings, and love can overcome a person in any situation at any time. So simply, हम यही कह सकते हैं that there is no specific time for falling in love with someone. Poem के title को discuss करने के बाद अब हम poem की line by line explanation करेंगे. तो फिर रफ़त poem की opening lines में कहते हैं the time to love is when the heart says so. यानी के प्यार करने का सही वक्त वही होता है जब दिल ऐसा करने को कहता है. हमारा दिल ही हमें किसी के बारे में सोचने और उसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर करता है और दिल के सामने हर इंसान बेबस हो जाता है और लव की फीलिंग के बारे में ही विलियम शेक्सपियर कहते हैं आई लव दी विद लव नॉट डाई यहाँ पर वर्ड दी का मतलब मॉडर्न इंग्लिश में यू है यानी मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ की खत्म नहीं हो सकता द द सन ग्रोज कोल्ड एंड स्टार ग्रो ओल्ड और मैं तुमसे तब तक प्यार करता रहूंगा जब तक सूरज ठंडा नहीं हो जाता और सितारे अपनी रोशनी नहीं छोड़ देते हु केयर इफ इट इज मडी ऑगस्ट और टेपिड अप्रैल तो फीक्राफा यहाँ पर यह कहते हैं कि लव स पर डिपेंडेंट नहीं होता जिस तरह लव का कोई टाइम नहीं होता सिमिलरली लव का कोई सीजन भी नहीं होता लव एक इन्वोलेंट्री एक्शन है जिसे कोई भी ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता पोम की थर्ड लाइन में पोइटिये कहते हैं हु किसको इसकी फिक्र है अब यहाँ पर पोइटिये बताना चाहते हैं की मोहब्बत करने वाला दुनिया से बेगाना हो जाता है और ना फिर उसे लोगों की परवाह होती है और ना ही मौसम और वक्त की मडिक अगस्त का मतलब अगस्त के महीने में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है क्योंकि अगस्त से पहले जुलाई का मंथ आता है और इस मंथ में मॉनसून का सीजन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रेन आती है टेपिड मीन स्लाइटली वार्म अप्रैल के मंथ के साथ तो रफत ने टैपिड का वर्ड यूज किया है क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल में समर सीजन स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल का मंथ ये इंडिकेट करता है की समर सीजन स्टार्ट हो चुका है इसी वजह से अप्रैल को स्लाइटली वार्म मंथ भी कहा जाता है और लव इन फेलिबल फीट इनफेलेबल मीन्स इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बींग रॉन्ग यानी की मोहब्बत में उठाया जाने वाला कदम कभी भी गलत नहीं होता अब यहाँ पर वो फ्रेज बहुत ज्यादा रेलिवेंट है जिसमें ये कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है अब इसके सेकंड इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि जब ट्रू लव हमारी लाइफ में एंटर होता है तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली ही सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है स्टेप डेंटली डेंटली फ्रॉम वेंटेज वेंटेज टू टू द वेटिंग अब यहां पर स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा इट्स डी ए आई एन टी आई एल वाई डेंटली मीन इन एन अट्रेक्टिव एंड केयरफुल वे यानी कि लव की फर्स्ट एज अट्रैक्शन है जो किसी भी पर्सन को दूसरे पर्सन को देख हो जाती है और लव बड़ी नरमी और शाइस्तगी के साथ

ज द सीजन ऑफ लव मगर तोफीक रफ्त ये बिलीव करते हैं और हम ये अच्छे से जानते हैं की लिटरेचर के योनर पोइट्री में ही राइम को क्रिएट किया जाता है राइमस्टर बेसिकली एक पोइट ही होता है और आगे राइमस्टर यानी पोइट की क्वालिटीज या रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब किया गया है बफ टू परचोन वाइल वी सिंग बफ कैन बी अ ब्रांच ऑफ ट्री यानी के दरख्त की शाख को बफ कहते हैं और पर्च उस जगह को कहते हैं जहाँ पर परिंदे बैठ कर गाना गाते हैं तो फीक रफज ये पोइट के लिए पोइट्री को क्रिएट करने के लिए नेचुरल ब्यूटी की जरूरत होती है और इसके अलावा वो अपने माइंड में एक नेचुरल सीन को क्रिएट करता है जिसके बाद वो बेस्ट वर्ड को सिलेक्ट करके अपनी पोइट्री के अंदर एंटर करवाता है इसी वजह से उसकी पोइट्री बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और रीडर्स को अपील करती है यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटीज हमने डिस्कस की हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के रोमेंटिक्स की क्वालिटीज हैं। रोमांटिक पोयटी में रफत का नाम भी शामिल है क्योंकि उन्हें एशियन रोमांटिक पोइंट भी डिक्लेयर किया जाता है मगर लव खुद ब्यूटी को क्रिएट करता है लव को किसी भी नेचुरल सीन की जरूरत नहीं पड़ती और इसी के साथ पोम की कंक्लूडिंग लाइन में रफत ये कहते हैं लव इज अ कंट्री विद इट्स ओन क्लाइमेट यानी कि लव इस वर्ल्ड से एक सेपरेट कंट्री है जिसका अपना एक क्लाइमेट या सीजन है क्योंकि ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि जो इंसान लव को एक्सपीरियंस करता है वो इस वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट वे में सोचना शुरू कर देता है लव में किसी भी को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और लव का अपना एक क्लाइमेट है जो कि ज्यादातर खुशगवार ही रहता है जैसा कि जोफरी चौसर प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में ये कहते हैं अप्रैल मंथ एंड स्प्रिंग सीजन सीजन इज द ऑफ लव जबकि टी अपनी फेमस पोम द वेस्टलैंड की ओपनिंग लाइन में ये कहते हैं कि अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इन पोम्स के थ्रू सब्जेक्टिव इमोशंस को रिवील किया जाता है जबकि तोफी रफत सब्जेक्टिव लव की बजाय यूनिवर्सल और फिलोसॉफिकल लव पर फोकस करते हैं आप तोफी रफत को इंग्लिश लिटरेचर के डिफरेंट रोमांटिक पोइम से भी कंपेयर कर सकते हैं रूमी सेज टू रीडर्स अबाउट लव योर टास्क इज नॉट टू फाइंड फॉर लव बट मियरली टू सीक एंड फाइंड ऑल द बैरियर्स विद इन योर सेल्फ That यू हैव बिल्ट अगेंस्ट इट रूमी रीडर्स को ये मैसेज देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ लव को फाइंड आउट करना नहीं है बल्कि अपने अंदर उन रुकावटों को तलाश करना है जो तुमने खुद इस लव के अगेंस्ट खड़ी की हुई है ये पॉम जितनी ज्यादा शॉर्ट और कम्प्रिहेंसिव है उतनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी है सो डेट सॉल फॉर टूडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थे तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की इफॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर के आइकन को प्रेस कर दें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं न्यू टॉपिक्स की सजेशन भी आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो अ